प्रणाम पिताजी। प्रणाम माता जी। ए पिताजी, आपका सेवक हाजिर है, कहो क्या आज्ञा है। बेटा, केवल तुम्हें देखने की लालसा थी और यह हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, खैर तो है, चित पर ये कैसी बेकरारी है। बेटा आओ जरा। अब हमारे सफर की तैयारी है। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो जी, क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो। हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता। मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको, मेरे जीने पे है अधिकार पिता। से है आपको देख कर इस दशा में मेरा जी, आपको देख कर इस दशा में मेरा हो रहा आज सीना बेगार पिता, हो रहा आज सीना बेगार पिता। कुछ वजह बेकली की बताओ मुझे, पूछे ता आप से बार बार पिता। मेरे से ही कोई खता हो गई जी, क्या मेरे से ही कोई खता हो गई। आपको पहुंचा जिससे आजार है पिता, आपको पहुंचा जिससे आजार है पिता। मेरे प्यारे पिता तो मुझे भी बता, रो रहा हाँ मैं यहाँ जार जार पीता। कोई मुँह से तो अपने इशारा करो जी, कोई मुँह से तो अपने इशारा करो। क्या रहा ना मेरा एतबार पिता, क्या रहा ना मेरा एतबार पिता। जो कहो सो ही करने को तैयार हूँ, पूछे ता मैं आप से बार बार पिता। ऐ पिताजी, आपकी ये हालत देखकर तमाम कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। आपकी ये हालत होने का क्या कारण है। ऐ माता जी, अगर कुछ मालूम हो तो आप भी बताइए कि ऐसी क्या बात है। हाँ
अगर इसका उपाय तुम्हारे हाथ है। ऐ माता जी शिखर बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बात तो मामूली है, अगर पूरी करो तो बताऊं, अन्यथा क्यों सर खपाऊं। ऐ माता जी आश्चर्य की बात है, आप किस प्रकार की बातें बना रही हो। आप अगर का शब्द लगाकर मुझे कलंक न लगाएं और जो बात है साफ साफ बताएं। बेटा महाराज ने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राज तिलक हो, मगर अब अपने कोल को पूरा न होते देखकर मुझे उभार रहे हैं और इसलिए हाथ पांव मार रहे हैं। वाह माता जी, पिताजी इसलिए हैरान हैं और व्यर्थ ही परेशान हैं। बड़ भागी वे बेटा है कि तुम्हारा जो आज्ञाकारी है, माता अगर आज्ञा यही तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए आज तलक ये कैद सदा ही रहा हमें, माता या और पिता ने भी आदेश न कोई दिया हमें। स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, आज हमारा सौभाग्य ऐसे ही सर। तुम यहां रहोगे इनका संताप न जाएगा, वन जाओगे जब तलक नहीं ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न इनको पहुंचाओ, जितना जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। ऐ माता जी जब तक इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तब तक अयोध्या तो क्या किसी बस्ती में भी पांव नहीं रखूंगा। परंतु माता जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरी माता कौशल्या से मिलाऊं। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है मेरे लाल, तुम्हारी माता से आज्ञा ले आओ, परंतु जाते वक्त यहाँ से होकर जाना और बनवासी वस्त्र पहनकर जाना। बहुत अच्छा माता जी। माता जी प्रणाम। पिताजी
जीते रहो मेरे लाल। मेरे लाल यहां बैठो, मैं अभी आती हूं और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूं। बस माता जी, खाने को रहने दो और जल्दी ही मुझे यहां से जाने की आज्ञा दो। नहीं बेटा, मैं अधिक देर नहीं लगाऊंगी और जल्द ही आ जाऊंगी, मगर थोड़ा सा आहार जरूर कराऊंगी, क्योंकि कल तुम्हें राजतिलक होना है और इसलिए वहां निहार जाना एक प्रकार की बदसुकनी है। ए माता जी, जो राजतिलक के लिए वचन था वह तो कब का निकल चुका, बल्कि राज के बदले मुझे जंगल का रास्ता मिल गया। ऐ बेटा, ये कैसे अशुभ वचन अपने मुख से निकाल रहा है और व्यर्थ मेरी जान मुसीबत में डाल रहा है। ऐ माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में सही है। बेटा, आखिर मामला क्या है मुझे भी तो बताओ और पूरा वर्तांत सुनाओ। राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म फकीरी का बड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे शान गुमान नहीं सुन कर तेरी बातें बेटा, रही बदन में जान नहीं तूने की तैयारी वन की, तूने की तैयारी वन की, कौशल्या की खैर नहीं अभी त्याग दू प्राण रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं। बेशक देते राज भरत को, बेशक देते राज भरत को, मुझको नहीं है गम बेटा, तू भी बेटा वो भी बेटा, भरत मुझे कोई
सुन करते आए बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? सबर करो माता जी, सबर करो। आखिर किसके सारे मेरे लाल? एक माँ अपने बेटे से कैसे दूर रह सकती है मेरे लाल? पिता का साथ जान के हुक्म, पिता का साथ जान के जब तक दम में दम माता, राज पाठ और आठ बाट का मुझको नहीं कुछ गम माता। वचन पिता का पूरा कर दो, वचन पिता का पूरा कर दो, माता रघुवंश की पान न जाए, सर वो चाहे कलम माता। और नहीं कुछ फिकर फिकर है, और नहीं कुछ फिकर फिकर है, भक्तिता की पीरी का राज के बदले मुझको हो गया हुक्म। मिले भारत को राज मुझे, हाँ मिले भारत को राज मुझे, इसे काल नहीं मुझे लग गम बेटा, मेरे वास्ते राम भरत दोनों ही है एक सम बेटा। खबर बेटा तुझको करके तू
दूर नजर से कैसे करूं सफर बेटा। बेशक देते राज भरत को, बेशक देते राज भरत को, मेरा नहीं जबर बेटा। माँ बेटा एक जगह बैठ कर लेंगे यूं ही गुजर बेटा। तुम हो मेरे पास मुझे हाँ, तुम हो मेरे पास मुझे हाँ, चाहिए और सामान नहीं। सुन माता जी आते बेटा रही नसूली है। तुम तो खुद विद्वान हो, तुम तो खुद विद्वान हो, बात ना तुमसे भूली है। हुक्म पिता का मानोगे तो मेरा हुक्म हदूली है। मेरा हक उनसे से जाता है, क्या मेरी संतान नहीं। सुनकर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान। ऐसे मौके बेटा ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा
माता का हक ज्यादा होता है। माता जी बेशक इसमें क्या शक है? तू स्वामी जी की अपेक्षा तुम पर मेरा हक ज्यादा है। जब मैं मान चुका हूं तो इसका बार बार दोहराने से क्या फायदा है? वाणी से या दिल से? ए माता जी, दिल से भी नहीं बल्कि सच्चे दिल से। हाँ, अब आ गया काफी। तो अच्छा, मेरा हुक्म है कि तुम वन में मत जाओ। ऐ माता जी, कोई कारण भी तो बताओ। फिर वही अगर मगर का सवाल। ऐ माता जी, मैं आपकी दिली मनसा को जान लिया है, मगर आपका यह बिल्कुल उल्टा ख्याल है। वह किस तरह? ऐ माता जी, वह इस तरह की, पिताजी हम तुम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना हम तुम दोनों का फर्ज है। धर्म शास्त्र के अनुसार पति के विरुद्ध तुम्हें आज्ञा देने का कोई हक नहीं। तो बेटा अब मेरी बात सुनो। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा पोर नहीं तेरी माता कदम बेटा। बेटा भला किस के सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी। तू बता बेटा, मैं किसके सहारे दिन गुजारूं? जिंदगी के दिन गुजारूंगी। भला किस के सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी। बात कर मुझको तुझे मेरी कसम बेटा। बेटा किसके सहारे सबर करूं बेटा? कोई सहारा भी हो। धैर्य रखो माता जी, धैर्य रखो। किया था परवरिश तुझको कि देगा सुख बुढ़ापे में। किया था परवरिश किसके सहारे कि देगा सुख बुढ़ापे में। किया था परवरिश तुझको कि देगा सुख बुढ़ापे में। ना करे यूं तंजुदाई से मेरे सर को कलम बेटा। आखिर किसके सहारे? सहूं मैं किस तरह सतमा भला तेरी जुदाई का? बता बेटा,
किसके धैर्य से काम लो, किस तरह धैर्य करो, तेरी जुदाई का भला तेरी जुदाई का करूं कैसे सबर, हाय सितम बेटा सितम बेटा बेटा कैसे धैर्य रखूं सारी उम्मीदों पर न फेरो एकदम पानी मेरी सारी उम्मीदों पर न फेरो एकदम पानी मेरी सारी उम्मीदों पर न फेरो एकदम पानी तू कुछ तो ख्याल कर मेरा तेरे झूला मैं तू बेटा निकाले जिस घड़ी तूने आयो था जी कदम बेटा इजाजत दो मुझे मैं चूमता ते मुझसे अगर चे सख्त मुश्किल है दुदाई आपकी मुझसे अगर चे सख्त मुश्किल है मगर मजबूर करता मते कर सका मैं आपकी अफसोस है इतना ना खिदमत कर सका मैं आपकी अफसोस है इतना ना खिदमत कर सका मैं आपकी अफसोस इतना है सहे में बदौलत आपने ये रंजो गम माता इजाजत दो मुझे मैं चूमता ते एकदम माता ए माता जी जरा धैर्य से काम लो बेटा किसके सहारे कोई सहारा भी तो हो ए माता जी जब वह दिन न रहे तो यह दिन भी नहीं रहेंगे अच्छा बेटा जिस तरह होगा
हम तो सबर कर लेंगे, परंतु उस पराई बेटी को कैसे सबर होगा। जी रहो, हे माता जी, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। बेटी क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं, और ऐसा पाषाण हृदय कहां से लाऊं, ये खुद ही बताएंगे। हे स्वामी जी, माता जी ये क्या फरमा रही है और क्यों इस कदर आंसुओं को बहा रही है। व्यर्था रंज करती है, वरना बात तो बिल्कुल मामूली है। अगर कोई हर्ज ना हो तो मुझे भी बताइए कि ऐसी क्या बात है। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को, मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। भारत को दोष वह तो है बिल्कुल।
चलोगे जिस मार्ग पर आप करती चलूंगी रास्ता साफ। चलोगे जिस मार्ग पर आप चलूंगी करती रास्ता साफ। चलोगे जिस मार्ग पर आप करती चलूंगी रास्ता साफ। तुम्हारे चरणों के पर प्रिय, तुम जंगलों के कष्ट नहीं सहन कर सकोगी क्योंकि वहां पर बहुत कष्ट होंगे। हे स्वामी जी, आपके चरणों में रहकर मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दुख के बन का नासिए सहा जाएगा नंगे पाँव ना प्यारी चला जाएगा। दुखे बन का ना प्यारी सहा जा दुख बन में अट छोड़ दीजिए जान की फिरते हजारों राक्षस सूरत बना ब्यान की देखे उनकी सकल जी प्यारी सा।
जब खून बहने लगेगा जमीन पर सोना पड़ेगा, बिस्तर न बिल्कुल मिलेगा, कोरा कोमल कोरा कोमल बदन सब कुमला जाएगा, नंगे पाओ नंगे पाओ ना प्यारी चला जाएगा। पलंग से नीचे न तुमने कभी रखा कदम, फूल खाने को कहता हूं दम बदम, पानी वहां का पानी वहां का ना तुमसे पिया जाएगा, नंगे पाओ नंगे पाओ ना प्यारी चला जाएगा। बीच वानर और हाथी घड़ी चिंगाड़ते ओस उड़ जाते सभी के, जब शेर चीते दहाड़ते ऐसे दुख में ऐसे दुख में ना प्यारी जिया जाएगा, नंगे पाँव नंगे पाँव ना तुमसे पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ। तेरे पत का दिया दिया पत पे जलाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। प्यार का रंग भर दूंगी तेरे सुने सुने जीवन में, मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं बनूंगी पिया
तेरे पथ का दिया, दिया पथ पे जलाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। ऐ प्रिय जी, वहां पर तुम्हें जंगली जानवर बहुत सताएंगे और वहां पर बहुत कष्ट होगा जिसको तुम सहन न कर सकोगी। इसलिए तुम मुसीबत के समय मेरी सहायता करो और जो आर्य स्त्री का कार्य है वह पूरा करो। हे स्वामी जी, मेरा साथ जाने का भी तो यही परिणाम है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना हम दोनों के लिए आवश्यक है। जो पिता का हुक्म है खुशी से करो जी, जो पिता का हुक्म है खुशी से करो। दूंगी हरगिज मैं इसमें दखल ही नहीं, दूंगी हरगिज मैं इसमें दखल ही नहीं। साथ जाऊंगी मैं भी मगर आपके गबर हूँ एक पल भी नहीं, एक पल साया बन के रहूंगी संग आपके जी, साया बन के रहूंगी संग आपके। न ससुर घर रहूं ना रहूं बाप के, ससुर घर रहूं ना रहूं बाप के। कष्ट देते हो बदले में किस पाप के, देख ना चाहते मेरी शक्ल ही नहीं, देख ना चाहते मेरा शक्ल ही नहीं। हे स्वामी जी, मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, परंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म से लाचार है। आप अपने को कलंक से बचाते हुए मुझको ये कलंक क्यों लगाना चाहते हैं? अच्छा, तो तुम वन किस लिए जाना चाहती हो? स्वामी जी, आप किस लिए जाना चाहते हैं? मुझको तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। मुझको मेरी माताजी की आज्ञा है। तुम्हारी माताजी की क्या आज्ञा है? हे स्वामी जी, आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं वन में जाऊं। हे स्वामी जी, मेरी माताजी की ये आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे स्वामी जाए वहीं तुम जाओ। तुम्हारी बात तो वास्तव में लाजवाब है। अगर तुम्हारा मेरे साथ जाने का एक तरह का अजाब है। हे स्वामी जी, यदि आपको निश्चय है कि 14 वर्ष के बाद अगर आप सीता को जीवित देख सकते हो तो बेशक छोड़ जाइए। तो अच्छा प्रिय, चलो, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी हट से नहीं टलोगी और अवश्य ही मेरे साथ चलोगी।
अच्छा माता जी को नमस्कार करो और उनसे आशीर्वाद लो। आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। ए बेटा क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया। अभी एक के लिए रो रही थी और पहले ही जख्म निढाल हो रही थी, और अब तुम भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हो। अच्छा बेटी, इसमें किसी का क्या गिला है, यह तो मुझे मेरी कर्मों का फल मिल रहा है। इस बुढ़ापे को तो यों ही बर्बाद होना था, और हमने तमाम उम्र अपनी किस्मत को रोना था। क्या कहूं बेटी, मुझे घर घाट से मुझे खो चले, एक को रोती थी पहले लेकिन अब तो दो चले। चिरंजीव रहो। मन अकेले लक्ष्मण ने क्यों बनकी कर ली त्यारी, अकेले लक्ष्मण ने क्यों बनकी कर ली त्यारी। बात बता दे सारी के कारण हो गया साधो बनकी कर ली त्यारी, के कारण हो गया साधो बनकी कर ली त्यारी। पूछे सयो भ्रात नाथ तने बात बता दे सारी के कारण हो गया साधो बनकी कर ली त्यारी। हाथ जोड़ के पूछूं भ्राता, हाथ जोड़ के पूछूं भ्राता, हाथ बता दे सारी के कारण हो गया साधो बनकी कर ली त्यारी। या तो मैं भी जान गया कोई विपता आगी भारी, बेहोश मैं मात पड़ी और रोवे जनक दुलारी, बेहोश मैं मात पड़ी और रोवे जनक दुलारी। या तो मैं भी जान गया कोई विपता आगी भारी, बेहोश मैं मात पड़ी और रोवे जनक दुलारी।
सारा हाल बता मेरे भ्राता, सारा हाल बता मेरे भ्राता, पूछे चरण पुजारी छोड़ के ले लक्ष्मण ने क्यों वन की गली खोरे सुख में साथ रहूंगा बढ़ के आज्ञाकारी ऋषि मुनि ओड़ा भजन करेंगे बड़े बड़े तपदारी ऋषि मुनि ओड़ा भजन करेंगे बड़े बड़े तपदारी दुखर सुख में साथ रहूंगा बढ़ के आज्ञाकारी ऋषि मुनि ओड़ा भजन करेंगे बड़े बड़े तपधारी गुरु सतपाल सिंह यो पूछ रहा है सतपाल सिंह यो पूछ रहा है परजू मार कटारी छोड़े अकेले लक्ष्मण ने क्यों वन की गली तारी पाठ सब सुनने भ्राता जी माता जी इस कदर क्यों बाकुल हो रही है? ऐ भैया बात तो मामूली है, केवल मेरे बनवास पर रंज करती है। ऐ भ्राता जी अगर आप बनवास जाते हो तो मैं यहाँ रह कर क्या करूंगा, मैं तो जीते जी आपके चरण नहीं छोड़ सकता और किसी भी अवस्था में आपकी सेवा से दूर नहीं रह सकता। यदि तुम साथ चलोगे तो उस बेचारे भरत का क्या हाल होगा? ऐ भ्राता जी लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? राज अवस्था में उसका जिंदा रहना सख्त मुहाल है। लक्ष्मण उससे पहले जान देने के लिए तैयार है। ऐ भैया तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग है। कसम में खा ई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने बसती बसाने की कसम खाई है अब मैंने तुम्हारे साथ जाने की। हमारी राजधानी में खलल को ही न आएगा, हमारी कभी नौबत किसी का दिल दुखान।
आई है अब मैंने तुम्हारे साथ जाने की। श्री रघु वीर की सेवा मिले तो और क्या चाहिए। श्री रघु हवस बिल्कुल रही राजा कहलाने की। कसम खाई है अब मैंने तुम्हारे साथ जाने की। अगर हो कष्ट भी बन में मुझे पर वा नहीं किंचित। अगर हो कष्ट भी वन में मुझे पर वा नहीं किंचित। अगर हो कष्ट भी वन में मुझे पर वा नहीं किंचित। मगर ताकत नरी सदमा जुदाई का उठाने भ्राता जी। आपकी आज्ञा सिर्फ धार्य है मगर ये अयोध्या मेरे लिए हराम है। अगर आपको मेरे साथ जाने में कष्ट होता है तो बता दीजिए मगर इतना एहसान कीजिए अगर आप मुझको छोड़ जाओगे तो जिस्म तो यहाँ रहेगा परंतु मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। नहीं भैया लक्ष्मण सुनो, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, धनुष दूसरी हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है। एक रक्त है एक तत्व, रघुकुल का अंश एक ही है। भाई जब भाव यही है तो क्यों ममता तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, तू मुझको छोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, तू मुझको छोड़े जाते हो। भाषण चतुराई नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण के, या सात कमन है लक्ष्मण के, या प्राण कमन है लक्ष्मण के, या प्राण कमन है। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा के भरत शत्रु धने, इस जगह पिताजी माताजी शोका
उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए तो उन बूढ़ों की सेवा करने को शाबाश बेटे शाबाश, आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली। अगर आवश्यकता हो तो अपनी जान पर भी खेल जाना, परंतु बड़े भाई की सेवा से जी ना चुराना। इस नन्हे को रहने दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका भी चौदह वर्षों को वन जाना उचित ना होता है। हाँ आग ही फेंके रखो, आंखों के आगे ही रखो। इस बूढ़ी आंखों केस को इस रामचंद्र के बदले में देखूंगी उसके ही मुख को। मंजनी के वध रघुवंत में रघुवर सिया आपके शासन में, लक्ष्मण ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वह साथ इसे ले जाएगा, वह साथ भ्राता के जाएगा। देखना राम इस लक्ष्मण को तू वन लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को उसी वन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही फुला फुलाए। लाल मेरे करूं क्या नसीहत तुझे रे लाल, जाने अपनी वहां तू लड़ाना पुत्र, जाने अपनी वहां तू लड़ाना पुत्र। मैंने न्योछावर किया जाए मेरे को जानना।
प्रणाम बेटा, प्रणाम बेटा।